जिहड़े बंदे साडे नाल खेड़ खड़ैया करन दी सोच रहे हो ठीक है ना करो जी सदके करो पर आपदे वारी वीरे चीक ना मारियो क्योंकि फिर असीं भी नवजी दबांगे जदों दबण ते कोई भी होवे मूहरे किसे दा डर पे नहीं हैगा ये लोग डरते होंगे असीं नहीं डरते प्यार करोगे प्यार मिलूगा मुकाबले करोगे तो फिर दूना मिलू। दोस्तों सिद्धू मूसेवाले दे वड्डे गाने री इनकारनेशन जो कि बिग बर्ड ते सनी माल्टन नाल बनाया दी रिलीज़ बारे वड्डी खबर सुन के तुसी भी हैरान हो जाओगे पर पूरी खबर जानने तो पहला जेकर तुहानू भी सिद्धू मूसेवाला वधिया लगदे हन तां इस वीडियो नू लाइक अते शेयर करना ना भुलना अते ताज़ा खबरां दी जानकारी लई साडे चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लेना। री इनकारनेशन जी हाँ दोस्तों ज्यादातर फैनस नू इस गाने बारे शायद ना पता होवे कि इह गाना सिद्धू ने कदों अते किस नाल बनाया पर इस समय गाने दे रिलीज़ होने बारे लगातार चर्चा चलती दिखाई दे रही है जो कि सिद्धू दे कई करीबी फैनस वालों भी कही जा रही है। असीं इत्थे तुहानू पूरी अपडेट दिंदे हाँ इस गाने बारे कि यह गाना सिद्धू ने एक साल पहला ही कैनेडा विच बना लिया सी अपने पुराने साथियों बिग बर्ड ते सनी माल्टन नाल मिलके। उस समय इस गाने की एहो जी वीडियो बनाने की चर्चा चल रही थी कि गाने उपर 50 लाख तो भी ज्यादा का खर्च दसिया जा रहा है क्योंकि गाने विच किसी वड्डे सुपरस्टार नूं लैण दी तैयारी हो रही थी। उस समय बिग बर्ड दे नाल ही सिद्धू लगातार काम करदे आ रहे सन अते यारी होण करके गाना भी बिग बर्ड दे कोल ही पिया रहा पर सिद्धू नूं भी कित्थे पता होवेगा कि उहनां नाल ही यार मार कर दित्ती जाएगी। माई ब्लॉग गाने की रिलीज़ नूं लै के बिग बर्ड ते सिद्धू विचकार जो भी विवाद पैदा होया उस दौरान सनी माल्टन ने शरेआम लाइव च यह गाना लीक कर दिता सी। इस समय गाने नूं हुण सोशल मीडिया ते रीस नाम दस्या जा रहा पर उस समय गाने दा नाम ही री इनकारनेशन रख्या गया सी ते गाना बहुत वड्डे पद्धर ते तैयार करन दी तैयारी भी सी। हुण जदों सोशल मीडिया ते फैनस वल्लों पुछया गया कि इह गाना कदों रिलीज़ होवेगा तां बिग बर्ड वल्लों कमेंट करके कहा गया कि सिद्धू नूं कहो कि गाने लई पहलां $1,00,000 पे करे। हालांकि किसी गाने दी म्यूजिक नूं तैयार करन लई इन्ना ज़्यादा पैसा लगदा तां नहीं देखिया पर गाने बारे कहा जा रहा सी कि 50 लाख रुपए च तैयार कीता गया सी ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਗ ਬਰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਣਾ ਰੀ ਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਬਿਗ ਬਰਡ ਤੇ ਸਨੀ ਮਾਲਟਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਕਿੱਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੈਂਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੀ ਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਗਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ رائے ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾਇਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਆਨ।